चलो चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता हो कहीं अंधेरे में जो एक घोड़ा गाड़ी जा रही होती है और एक बंदा उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा होता है। और उस घोड़ा गाड़ी के अंदर का हम लोग सीन देख पा रहे होते हैं कि उसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर जिन बैठा होता है, वो कहता है कि मैंने 3 दिन तक बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें की सब गेम से बाहर निकलने के, लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम निकला और एट लास्ट में आया नोटिफिकेशन ऐसा है कि इसे बाहर निकलना एकदम बकवास है और ये जो गेम है मैं इस गेम में पहुँच चुका हूँ जिसे कहा जाता है मुरीम, और ये किसी प्रकार का गेम है। अगर मैं इससे लॉग आउट नहीं कर सकता, अगर गेम के अंदर भी मरा तो मैं असली ज़िंदगी मर जाऊँगा यार। तो शुरू में ऐसा ही मैं बैठा हुआ था, आखिर मैं किसी प्रकार से मुझे बाहर की दुनिया से मदद मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यार। जब मैंने यहाँ पर रैलीस वगैरह किया तो मुझे पता चला कि यहाँ से मुझे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ सब एक तरीका हो सकता है कि यूजुअल के मैनुअल में एक चीज़ लिखा हुआ था कि अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता प्लेयर, लेकिन जो अगर ये बोलती है सारी चीज़ें कंडीशन पूरी होती है तो मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ। 3 दिन तक मैंने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का स्ट्रगल वगैरह करके देखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा चलो इस क्विस्ट को ही कंप्लीट करते हैं, अपना लेवल अप करते हैं और इन सब चीज़ों को पा लेते हैं। उसके बाद जो है हम इन सब चीज़ों को ढूंढते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी खतरे में ना हो और दूसरे लोगों की मदद लेकर और जो यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। चलो अब ये सब बिना सोचे हुए मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ और कहता चलो अब ये मैं सब कर सकता हूँ लड़ाई, कहता चलो बेस्ट मेन्यू को खोलो। और उसमें आता है कि आप ट्यूटोरियल के पार्ट 2 को शुरू करना चाहते हो, उसमें पार्ट 2 में लिखा होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो तुमने हासिल कर ली, लेकिन ये जो मुरीम की दुनिया है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, अब तुम्हें अपनी ही ताकत पर निर्भर होना होगा जिसे तुम अपने सिस्टम के रूप में भी जान सकते हो। उसके बाद में हमें दिखाया गया था उसे दूसरा मिशन मिलता है कि तुम अपने कैरेक्टर प्रोफाइल में जो ये सारी चीज़ें वगैरह तुम्हें मिली है तुम इन सब चीज़ों को अलग अलग बांट सकते हो और ये सब इक्विपमेंट जो इसमें से कोई इक्विपमेंट वगैरह भी क्यूब्ड कर सकते हो। उसे दिखाया जाता है प्रोफाइल में, उसके पास 100 पॉइंट होते, कहते आखिरकार ये क्या है, मैं किसी फेमस फैमिली का बेटा नहीं होना चाहिए, आखिरकार मेरा इतना थर्ड ग्रेड का इतना ज़्यादा क्यों है, थर्ड ग्रेड वॉरियर मैं हूँ सिर्फ लेवल 10। अरे यार ये कोई मजाक है क्या, मुझे इसकी है उम्मीद तो है लेकिन मैं एक नोबेल का बेटा हूँ, उसके साथ साथ एक परिवार का बेटा हूँ जो कि एक शर्म हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन सब पॉइंट वगैरह को यूज़ करने में। सबसे पहले मैं इन पॉइंट को यूज़ करने के लिए अपनी ची को बढ़ाना को तो कहता है वो उस पर मैसेज था कि अरे यार तुम ऐसे चीज़ को अपनी ची को नहीं बढ़ा सकते हो, इसके लिए तुम्हें एलेक्सर वगैरह पीना होगा। अरे यार ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आखिरकार चलो ये सब छोड़ो, इंटेलिजेंट और खूबसूरती मुझे जरूरत है ही नहीं, मैं वैसे इतना स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर बढ़ाने वाला हूँ, ताकत बढ़ाने वाला हूँ और जो है स्टैमिना स्पीड भी बढ़ाऊँगा। और उसको ओके कर देता है, उससे दिखाया जाता है उसके 100 पॉइंट से 0 हो जाते हैं और अचानक उसके ढेर सारे शरीर से जो रोशनी वगैरह होती है वो निकलने लगती है और दिखाया जा रहा होता है अपना जो मेन कैरेक्टर होता है ना, कहता आखिरकार ये तो वैसा ही हो रहा है ना जैसे पहले मैं इतने दिन पहले जो है अवेकन वगैरह हुआ था। और वापस वो नीचे बैठता है और उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम दोबारा जो है अगेन हो चुके हो, अब तुम जो है सेकंड वेट जो ग्रेड जो है बन चुके हो मास्टर। कहते अरे यार मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना होगा मार्शल आर्ट को और अपने आप को शांत भला कैसे करूं, चलो मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स को कैसे इस्तेमाल वगैरह करूं, चलो अभी के लिए शांत हो जाता हूं, अभी मुझे मार्शल आर्ट वगैरह को प्रैक्टिस करना होगा और मुझे अपने आप को थोड़ा शांत वगैरह रखना होगा और देखना होगा आखिरकार मैं जो है इन सब एबिलिटी पॉइंट वगैरह कैसे यूज़ करूँ। वो सोच रहा होता है अभी जो ऐसा कुछ हुआ है मैं इन सबको कैसे मतलब हैंडल करूँ जो आगे चल के मैं इन सबको बेटर कर पाऊँगा, और कहता है चलो खुद को शांत करते हैं, चलो अपनी एबिलिटी पॉइंट को यूज़ करने को सोच रहा हूँ क्या किया जाए, और मैं जो अपने अंदर की ताकत है जो उसको अंदर के शरीर के पुर्जे वगैरह उनको कंट्रोल वगैरह कर पाएंगे और अंदर की फोर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रेट से होते हैं वो बाहर की जो चीज़ होती है मसल्स और बॉडी और ये सब इन सभी कुछ चीज़ को, लेकिन मैं एफ रैंक का हाइटर हूँ और मैं बाहर के तरीके से लड़ने वाला हूँ, अपनी बॉडी की पावर से लड़ने वाला था तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला है, लेकिन जो ऑरा से मतलब जादूगर होते हैं लड़ते हैं वो अपने अंदर की पावर से जो मतलब लड़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ऐसी जो अंदर की चीज़ें पता है मैं इसी से अपने सर्वल को बढ़ा सकता हूँ, और चलो मैं अपने जो बॉडी की सारी चीज़ें वगैरह उसको इंस्ट्रेंथिंग करना चाहता हूँ। और वो मशीन की बात है क्या तुम इसको मतलब जो है करना चाहोगे, और दिखाया जाता है कि हाँ, और उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होने लगता है और बहुत सारा मतलब कि कहता आखिरकार ये इतना सारा जो प्रेशर वगैरह था और मेरे अंदर जो 7 साल का प्रेशर पॉइंट वगैरह है सब, और ये असली दुनिया से अलग जगह है और ये सिस्टम के ताकत के साथ सब कुछ अच्छा है।
अब मैं अपनी कोशिश करूंगा कि इन सब के साथ में मैं जिंदा रहूं और इन सभी को अच्छे से यूज़ करूं। तभी कहता है इन्वेंटरी को खोलो, और इन्वेंटरी के अंदर एक जो होता है कपड़े का शर्ट होता है, कहता चलो इसे मैं पहन लेता हूं। कहता चलो जो पहले वाले कपड़े हैं इसको भी स्टोर कर दो, और वो जो उसके पहले वाले कपड़े होते हैं उसके अंदर के उसके ऊपर आ जाएंगे, और जो पुराने वाले कपड़े उसके इन्वेंटरी में चलेंगे। तो चलो तुमने एक इन्वेंटरी का भी एक कपड़ा वगैरह यूज़ कर लिया, इसलिए तुम्हें जो मिशन का दूसरा भी जो हिस्सा है वो पूरा हो चुका है, तीसरा हिस्सा तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है। कहते चलो अब एक इन्वेंटरी खोलो, और कहता है कि मुझे एक चीज़ दो, और वो क्यूट कर देता है। देखता है वो एक भाला मिलता है, कहता है अरे यार मुझे क्यों अच्छे आइटम क्यों नहीं मिले यार, इस भाले से अच्छा कोई चीज़ नहीं मिल सकता था। तो कहता भाला बड़ा सा भाला उसके हाथ में होता है, अरे यार उसे मैसेज आता है कि तो अब ट्यूटोरियल का तीसरा क्विस्ट शुरू हो रहा है, मतलब तीसरा मिशन। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है मास्टर जिन, वो कहता हाँ कौन है आखिरकार बाहर, लगता है हमारे हाथ में यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है। कहते आखिरकार यहाँ पे क्या मतलब प्रॉब्लम हो गया रखी, अपना मेन कैरेक्टर बोलता है। उसे ट्यूटोरियल में तीसरा पार्ट आता है कि ऐसा है तुम्हारे सामने कुछ ट्यूटोरियल में जो यहाँ पे डाकू वगैरह आए हैं उनसे निपटना होगा, अगर तुम यहाँ पर फेल हो जाते हो तो मर जाओगे यहीं पर यार तुम। और दिखाया जाता है बाहर ढेर सारे लुटेरे होते, कहता अरे यार ये कोई छोटी प्रॉब्लम है यार, कितनी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही। कहता है ये एक जंक्शन है, ये एक लुटेरा है, ये जो है अपने माउंटेन का इलाका को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं निकलता है, और ये कुछ 20 साल की उम्र में ही ये एक लुटेरों का ग्रुप का जो है लीडर वगैरह बन गया था, और आसपास के लोग जो जाते थे ना उनसे टैक्स वगैरह लेता था, उन्हें लूट लेता था, और हर दिन ये रेगुलर काम करता था, इसलिए इसे जेंगसेंग ऑफ 1000 ताकत वाला बुलाया जाता था, और हर लोग इसे देखकर ही मतलब फट के चौसड़ हो जाते थे और डर के भाग जाते थे। एक दिन ये सुबह के दिन आज के दिन बहुत ज़्यादा सुबह उठा, और पता नहीं वो चलना क्यों नहीं रुक पा रहा था, और अचानक से यहाँ पर इधर चलते चलते अपने पहाड़ से बाहर आ गया। एक बंदा कहता है देखो बॉस वहाँ पर, कहता चल इन लोगों का बहुत सारा पैसा है, लगता है लक मेरी साइड है, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं अभी के अभी निकाल दो। और वापस का सीन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, वो जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता है कहता यहाँ पर ये सब 6 लोग हैं मात्र, ये इन लोगों ने कोई एम्बुश वगैरह सेटअप नहीं करके रखा है। कहते जिन कहता कि अरे यार ये 6 लोग ये क्या कम है क्या। कहते ये जो लुटेरे वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि ये लोग यहाँ पर इस इलाके में आए हैं। और वो कहता कि हाँ अपना नोट करने, कहता आखिरकार क्यों ये लोग यहाँ पे क्यों आ गए। कहते लेकिन ये यहाँ पर आकर यहाँ मार्शल आर्ट की फैमिली पर अगर हमला कर रहे हैं ना, तो इन्हें सिर्फ आत्महत्या करना और जिन फैमिली से कुछ चुराना, यार इन लोगों को ज़्यादा हिम्मत बढ़ रही है आखिरकार। और अपना मेन कैरेक्टर था आखिरकार ये ट्यूटोरियल के आखिरकार एमपीसी वगैरह हैं क्या, आखिरकार ये जो बुड्ढा है ना इसके पास कोई ताकत वगैरह है क्या, ये इतना आखिरकार इतना रिलैक्स क्यों देख रहा है। कहता चलो अब मुझे इनसे क्या निपटना चाहिए, जिनसे कहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर को हाँ हाँ आखिरकार ये एक मास्टर यार होगा यहाँ, इसीलिए ये कोई नॉर्मल घोड़ा गाड़ी चलाने वाला नहीं है, उस औरत ने जो है मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडीगार्ड वगैरह भेज के रखा है। और वो चिल्लाकर बोलता है डाकू कि मैं जेंगसेन हूँ 1000 ताकत वाला, और वो बुढ़ा बोलता है तुम घमंडी बास्टर्ड कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा रास्ता रोकने की, आज तक तुमने जितने भी बुरे काम वगैरह किए हैं आज तक मैं तुम्हारी आंखें वगैरह निकाल लूँगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सामने वाला डाकू बोलते हाँ हाँ मैं डर गया, चलो तुम किसी राजा वगैरह को लेकर जा रहे हो जो ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हो, चलो उसका मुझे खूबसूरत नोबल चेहरा तो कम से कम दिखाओगे एक बार। कहता तुम ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा पछताने वाला होता, और उसका चेहरा देखने के बाद कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा और तुम भी नहीं बचने वाले। कहता आखिरकार बताओगे कौन बंदा है उसे। और बुड्ढा गुस्सा कहता है कि तुम घमंडी भी खूब कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी, चलो मैं तुम्हें आज असल में। और अपना जिंकू कहता है चलो इस मास्टर की मैं असली ताकत दिखाऊंगा, लेकिन वो बुड्ढा वापस आ जाता है दुम दुबा कर, और कहता आखिरकार तुम यहाँ पर वापस क्यों आ रहे हो, चलो अपना चैप्टर यहीं पे खत्म कर।